मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर का ट्रूडो की तनकीद पर जवाब। पियर पॉलिवर का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो के बयानात मज़ाक़ा खेज है। कैनेडियन वजीर आजम पर आवाम से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मेटा का कैनेडियन सार्फिन की खबरों तक रसाई ख़त्म करने का अमल शुरू। टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑनलाइन एक्ट की मंजूरी के बाद इस बारे में ऐलान किया था। मेटा हुकाम का कहना है कि उम्मीद है कि कैनेडियन हुकूमत अपने इकदाम पर गौर करेगी। भारत की जानिब से चावलों की बरामद पर पाबंदी। कैनेडियन सार्फिन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्रोसरी मालकान का कहना है कि उनके पास बहुत सारे गैर बासमती चावल स्टॉक में हैं। चीन में बारिशों का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। 22 अफराद हलाक और 27 अफराद लापता हो गए। बारिशों ने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तबाही मचा दी। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ने लगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्रंप पर अमरीका को धोखा देने की साजिश और हुकूक की पामाली का इल्ज़ाम है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इस दावे पर जवाबी वार किया है कि हाउसिंग एक बुनियादी विफाक की जिम्मेदारी नहीं है। हाउसिंग के बहरान का जिम्मेदार लिबरल हुकूमत को ठहराते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इस दावे पर जवाबी वार किया है कि हाउसिंग एक बुनियादी विफाक की जिम्मेदारी नहीं है। हाउसिंग के बहरान का जिम्मेदार लिबरल हुकूमत को ठहराते हैं। हैमिल्टन ऑन्टेरियो में एक ऐलान में ट्रूडो ने कहा कि हाउसिंग एक बुनियादी विफाकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें विफाकी हुकूमत मदद कर सकती है और ज़रूरी है। पियर पॉलिवर का कहना था कि यह मज़हका खेज है, क्योंकि 8 साल पहले उसने वादा किया था कि वो रिहाइश के अखराजात कम करने जा रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो अपने खौफनाक और बेमिसाल रिकॉर्ड से हाथ धोना चाहता है। वजीर आजम ने हैमिल्टन में यह ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत $64 मिलियन की मुश्तरका लागत से 214 घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए शहर के साथ मिलकर काम करेगी। पियर पॉलिवर ने हाउसिंग के बारे में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के हालिया तबसरों पर तनकीद की और इमारत के कारोबार में महारत रखने वाले तारकीन वतन के दाखिले को तेज करने का वादा किया। कदामत पसंदों का रहनुमा बनने के बाद से पॉलिवर ने जिंदगी की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशों पर लिबरल हुकूमत पर हमला किया है और कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ रिहाइश एक बड़ा अहम मौजू बन गया है। उन्होंने निशानदेही की कि वफाकी हुकूमत इन पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार है जो हाउसिंग को मुतासिर करती हैं, जैसे इमिग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स और कुछ इदारे, जैसे कि वफाकी कैनेडा मार्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें वफाकी हैं, फिर भी वजीर आजम का दावा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिवर ने हाउसिंग बहरान को हल करने में मदद के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत के कुछ मंसूबों की पेशकश की और कहा कि वो शहरों से मजीद इमारत के इजाजत नामे देने का मुतालबा करेंगे। मंजूर शुदा ट्रांजिट स्टेशन को ज्यादा कसाफत वाले मकानात से घिरे हुए हैं और हाउसिंग बनाने के लिए वफाकी इमारतें और जमीन फरोख करना होगी। इससे कबल ट्रूडो ने कहा था कि कदामत पसंद रहनुमा का जिंदगी की बुलंद कीमतों का मुकाबला करने का वाहिद मनसूबा कैनेडा के खौफ को भड़काना, उनके गुस्से को बढ़ाना
और उन प्रोग्रामों को कम करने का वादा करना है जो उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद फराहम करते हैं। मेटा ने कनाडा में सार्फीन की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का अमल शुरू कर दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेटा ने कनाडा में सार्फीन की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का अमल शुरू कर दिया। मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक हैं, हुकूमत की जानिब से जून में ऑनलाइन न्यूज एक्ट बिल C-18 की मंजूरी के बाद ये इकदाम आने का इशारा दे रही है। याद रहे कि रवां साल जून में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने कनाडा के सार्फीन की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का ऐलान किया था। कनाडा में मेटा की पब्लिक पॉलिसी के ही सरबरा रिचल क्रिन ने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लाखों कैनेडियंस और कारोबारी इदारों को वजाहत फराहम करने के लिए हम आज ऐलान कर रहे हैं कि हमने कनाडा में खबरों की दस्तियाबी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया है। मेटा का कहना था कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट कंपनियों के हवाले से बनाए गए नए ऑनलाइन एक्ट के निफाज से कबल कनाडा के सार्फीन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई ख़त्म कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि कनाडा की पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने वाला ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट गूगल पेरेंट अल्फाबेट और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को कनाडा के न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ उनके मवाद के लिए तजारती माहदों पर बातचीत करने पर मजबूर करेगा। कनाडा में मेटा की पब्लिक पॉलिसी की सरबरा रिचल क्रिन ने कहा कि न्यूज़ आउटलेट्स रजाकाराना तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मवाद शेयर करते हैं ताकि अपने सामीन को बढ़ा सकें और उनकी निचली लाइन में मदद करें। इसके बरक्स हम जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोग हमारे पास खबरों के लिए नहीं आते हैं। क्रान ने अपने बयान में कहा, मुस्तकबिल में हमें उम्मीद है कि कनाडा की हुकूमत इस कदर को तस्लीम करेगी जो हम पहले से ही न्यूज़ इंडस्ट्री को फराहम कर रहे हैं और पॉलिसी के रद्द अमल पर गौर करेगी जो एक आज़ाद और खुले इंटरनेट के उसूलों को बरकरार रखती है। कनाडा में ग्रोसरी मालकान का कहना है कि उनके पास बहुत सारे गैर बासमती चावल स्टॉक में हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। जून और जुलाई में फसल के ख़राब मौसम के बाद भारत ने गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा समेत तिजारती शराकत दारों को गैर बासमती चावल की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को नोटिस शाया किया जिसमें वजाहत की गई कि मूनसून की बारिशों के देर से शुरू होने से फसलों को नुकसान पहुँचा और मुल्क में पैदावार में कमी का खदशा पैदा हुआ। बड़े पैमाने पर पाबंदी का असर तमाम गैर बासमती चावलों पर पड़ता है, बशमूल मुख्तसर और दरमियाने दर्जे के चावल जैसे सोना मसूरी, जैरा सांबा और मिटा। पूरे कनाडा में BC और न्यूफाउंडलैंड के कुछ ग्रोसरी स्टोर मालकान के साथ असरात पर मिले जुले ख्यालात हैं, जिनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे गैर बासमती चावल स्टॉक में हैं और दीगर को ज़खीरा अंदोजी को रोकने के लिए फी सारिफ मसनूआत की तादाद को महदूद करना होगा। माहिरीन का कहना है कि पाबंदी ने कुछ कैनेडियनों को घबराहट में ख़रीदारी शुरू करने पर उकसाया जिससे चावल की उन इकसाम की कीमतों में इजाफा हो सकता है जो पाबंदी से मुतासिर नहीं हुए। पाबंदी की वजह से कनाडा में चावलों के शेल्फ से गायब हो जाने की बड़ी पैमाने पर इत्तला नहीं है, लेकिन अमरीका में चावल की पाबंदी की वजह से लोगों के शेल्फ पर चढ़कर बैक स्टॉक मसनूआत तक पहुँचने और चावल पर लड़ाई के मनाजिर देखने में आए। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के आदाद शुमार से पता चलता है कि हिंदुस्तान गैर बासमती चावल के दुनिया के सबसे बड़े बरामद कुनंदगान में से एक है जो सिर्फ इस साल जनवरी और मई के दरमियान कैनेडियनों को $3 मिलियन से कम की मसनूआत फराहम करता है। ये कनाडा की तरफ से दरामद करदा कुल चावल के तकरीबन 6.3% के बराबर है। दीगर अहम सप्लाई करने वालों में अमरीका, ताइवान और थाईलैंड शामिल है जो कैनेडियन को हिंदुस्तान से ज्यादा चावल फराहम करते हैं। चीन के दारुल हुकूमत में बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और 27 अफराद लापता हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बीजिंग में समंदरी तूफान डॉक्सोरी की वजह से होने वाली शदीद बारिशों ने 140 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल होने वाली बारिशों ने सैलाबी कैफियत इख्तियार कर ली। चीन के दारुल हुकूमत में बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और 27 लापता हो गए। बीजिंग की सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई हैं। सैलाबी रेलें गाड़ियों समेत रास्ते में आने वाली हर शय बहाले गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत के मजाफात में वाकया आबी जखायर में 744.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो 1891 के बाद होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। बीजिंग की मौसमियाती सर्विस के मुताबिक 40 घंटों में रिकॉर्ड की गई बारिश जुलाई के पूरे महीने की औसत बारिश के करीब थी। पानी के रेले ने अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तहस नहस करके रख दिया। सड़कें जेरे आब आ गईं, नशेबी इलाके डूब गए,
درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور بل بورڈز گر پڑے۔ یاد رہے کہ بیجنگ میں جولائی کے ماہ میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ڈیم بھر گئے تھے، ندیاں ابل پڑی اور پانی کا ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا تھا، جس کے بعد ان علاقوں سے 100,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ جولائی 2021 کے سیلاب میں 79 افراد ہلاک اور لاکھوں شہری محفوظ مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرد جرم عائد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی قوم تنزلی کا شکار ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرد جرم عائد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی قوم تنزلی کا شکار ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا کیس منطقی انجام کی جانب بڑھنے لگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ پر کار سرکار میں مداخلت کی کوشش اور امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش اور حقوق کی پامالی کا الزام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیپیٹل ہل حملہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے 2020 کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ ان پر کار سرکار میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائی گئی فرد جرم میں ان پر امریکہ کو دھوکہ دینے اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ سابق صدر پر تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسپیشل کونسل جیک اسمتھ نے کہا ہے کہ عدالت سے ٹرمپ کے خلاف صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے کیس کی تیز سماعت کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے حامیوں کو جھوٹ کی بنیاد پر کیپیٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا گیا تھا۔ صدر بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کیپیٹل ہل پر چڑھائی کی گئی۔ کچھ روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری کیپیٹل ہل حملہ کیس میں شامل تفتیش اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہیں اسپیشل کونسل جیک اسمتھ کی جانب سے ٹارگٹ لیٹر موصول ہوا ہے، جس میں لکھا ہے کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے الزام میں گرینڈ جیوری کی تحقیقات کے نشانے پر ہے۔ قبل ازیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا تھا کہ سنا ہے کہ آج ان پر اسپیشل کونسل جیک اسمتھ جعلی فرد جرم عائد کریں گے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔